हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में गाइस कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे देख सकते हो, मैं बैकग्राउंड पे हार्ड ब्लर कर दिया हूँ फ्रेंड्स। एंड आप अपने बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो। एंड ये वाला देख सकते हो, ये वाला इफेक्ट गाइस, ये वाला हल्का सा फ्रेंड्स ब्लर टाइप का येलो वाला इफेक्ट कहाँ से लाते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। एंड बिल्कुल सेम फोटो एडिटिंग करके आप लोग को इस वीडियो में सिखाऊंगा फ्रेंड्स। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना गाइस, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। एंड फ्रेंड्स बिल्कुल सेम फोटो एडिटिंग करके आप लोग को मैं इसमें सिखाऊंगा फ्रेंड्स। इतनी खुशी देख सकते हो, इतना हार्ड लग रहा है फोटो। एंड ये मेरा नॉर्मल फोटो मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये मेरा नॉर्मल फोटो गाइज। इस नॉर्मल फोटो को गाइज आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मल फोटो को शेयर करके लेके चलना है फ्रेंड्स स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज आप लोग को टूल्स पर चले आना है। उसके बाद ट्यून इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाना है, कंट्रास्ट को कम रखना आप लोग को। देख सकते हो ब्राइटनेस 80+, कंट्रास्ट 16-, एंड सैचुरेशन को 15+ में कर दिया हूँ, एंड एम्बिएंस को भी 14+। इतना कर लेने के बाद गाइज उसके बाद यहाँ पे मैं डन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से आप लोग को टूल्स पर जाना एंड डिटेल्स को सिलेक्ट करके इसका आप लोगों का स्ट्रक्चर हल्का बढ़ा लेना है एंड शार्पनिंग को हल्का बढ़ा लेना है। स्ट्रक्चर देख सकते हो 39+ कर दिया हूँ एंड शार्पनिंग 11। उसके बाद इसे डन करके फ्रेंड आप लोगों को फिर से टूल्स पर जाना एंड सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना। एंड अपने फेस का मतलब फ्रेंड्स जहाँ पे आप लोग को ब्लैक लग रहा है वहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ पे मैं अपने लेग पे बढ़ा लेता हूँ ब्राइटनेस, यहाँ पे हल्का कम है तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद गाइस इतना आप लोग को बढ़ा के फ्रेंड्स आप लोग को डन कर लेना है। एंड उसके बाद फ़ोटो को लेके चलना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। फोटो को लेके चलेंगे, देख सकते हो यहाँ पे मैं लाइटरूम में शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया गाइज, यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसे मैं खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो ढूंढ लेता हूँ। ये देख सकते हो, ये हमारा फ़ोटो है। उसके बाद गाइज लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर लेके आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लाइट्स पे आना एंड शेडो को बढ़ाना है 51+, ब्लैक्स को कम करना 37-, सॉरी फ्रेंड वाइट को कम करना 37-, एंड ब्लैक्स को 30। उसके बाद गाइज आप लोगों को कलर पे आना एंड इसका टेम्परेचर को आप लोगों को कम रखना है 10-, एंड टिंट को भी हल्का कम रखना है 10-, वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है 12+, एंड सैचुरेशन को हल्का 11+। समझ रहे हो ना। इतना कर लेने के बाद गाइज आप लोग क्या करना, आप लोग को आ जाना है मिक्स पे। मिक्स पे आने के बाद यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट करना है एंड इसका हल्का सा सैचुरेशन मैं बढ़ा लेता हूँ एंड इसका ह्यू भी हल्का बढ़ा लेता हूँ। देख सकते हो सैचुरेशन 46 एंड ह्यू 27। अगर आपको येल्लो वाला अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स येल्लो ही कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इतना बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद गाइज येल्लो में आके इसका सैचुरेशन हल्का कम कर लेता हूँ एंड इसका ह्यू हल्का बढ़ा लेता हूँ। देख सकते हो सैचुरेशन 54- एंड ह्यू 45+। उसके बाद ऑरेंज पे आके फिर इसका सैचुरेशन में कम कर लेता हूँ। अपने हिसाब से इसे गोरा कर लीजिएगा ऑरेंज का ल्यूमिनस बढ़ा के। तो मैं इसे इतना कर लेता हूँ फ्रेंड्स 14। उसके बाद रेड पे आके फ्रेंड्स मैं इसका सैचुरेशन बढ़ा लेता हूँ 56+। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डन करके आप आ जाना फिर उसके बाद इफेक्ट्स में आने के बाद इसे टेक्सचर को कम करना 10-, एंड क्लैरिटी को भी कम करना है 12+, बल्क माइनस फ्रेंड सॉरी, एंड डीएच को आप लोग को बढ़ाना है, मैं इतना बढ़ा लेता हूँ 21+, एंड वेनेट को हल्का कम कर रखना है। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फोटो में काफ़ी चेंज आ गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे बिफोर वाला फोटो है एंड आफ्टर, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसके बाद क्या करना है गाइज, आप लोग को फोटो को शेयर कर लेना है गाइज, आप लोग को लेकर चलना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लेता हूँ। पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद गाइज आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ब्लर करना आप लोगों को बताता हूँ। इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है, इफेक्ट्स पर चले आना आप लोग को एंड ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आसानी से। ब्लर पे आके एंड फर्स्ट लाइकन ब्लर दिख रहा होगा, ब्लर पे आ जाना है। एंड उसके बाद आप लोग क्या करना, इरेज पे आना। इरेज पे आने के बाद इसे स्क्रॉल करके हमें बैकग्राउंड का आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से आप लोग का बैकग्राउंड फ्रेंड्स ब्लर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इरेज पे आके फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आगे सॉरी यहाँ पे मैं ब्लर नहीं रखूँगा, अपने पैर इतना ही मैं ब्लर रखूँगा, ऊपर उसके नीचे नहीं। तो इतना मैं कर लेता हूँ ब्लर, देख सकते हो यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ।
उसके बाद गाइस जितना आप लोग को ब्लर रखना है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इतना ब्लर रखूँगा, इतना रख लेता हूँ 20। उसके बाद मैं यहाँ पर डन करके गाइस डन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्टिकर में। स्टिकर में आके फ्रेंड्स आप लोग को एक सनलाइट ले लेना ये वाला ब्लैक, एंड यहाँ ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद मैं यहाँ पे एक लगा लेता हूँ। उसके बाद लाइट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक डुप्लीकेट करके मैं इधर भी लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डन कर लेता हूँ। एंड वहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को मैं दिखाया था येलो येलो जैसा फ्रेंड्स बलर टाइप का, वो वाला आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे वर्सेस का आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्सेस भी आके यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन देख सकते हो। आसानी अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 4 वाला, नहीं होगा तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा 4th नंबर। उसके बाद ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला आपको सेलेक्ट करके जहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आसानी से ये हो जाएगा। अगर आप लोग को छोटा लग रहा है तो फ्रेंड यहाँ पे साइज आप लोग बढ़ा सकते हो। तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ साइज, एंड जहाँ जहाँ आप लोग टच करोगे वहाँ वहाँ वो अपने आप हो जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड आसानी से हो जाएगा। तो इसे मैं ज़्यादा नहीं इतना ही मैं रखूँगा, उसके बाद इसे डन कर लूँगा। उसके बाद क्या करना है गाइज आप लोग को, यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ ब्लैक लाइन नीचे। यहाँ पे जाके ब्लैक लाइन आप सर्च मारोगे तो ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद ब्लैक लाइन लग करके फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को फोटो को सेव करके लेके चलना है रेवन्यू एप्लीकेशन के अंदर। चल 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 देख सकते हो मैंने रेवन्यू एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लिया, एंड मैंने ऐड वगैरह भी देख लिया। उसके बाद मैं फोटो को सेव कर लेता हूँ गाइज। इसलिए मैं देख सकते हो मैंने फोटो को सेव कर लिया। उसके बाद फोटो को क्या करना है गाइज आप लोगों को शेयर कर लेना आप लोग को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, मतलब स्केच बुक में। तो मैं स्केच बुक में फ्रेंड्स फोटो को शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पीछे वाला फ्रेंड्स बैकग्राउंड वाला हटा लेता हूँ। तो 3 डॉट पे आके इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इसे डिस्कार्ड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये वाला रेवन्यू वाला देख सकते हो, रेवन्यू वाला मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे हल्का सा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद गाइज आप लोग का स्मूथ करने का बहुत ही अच्छा ब्रश मैं आप लोग को बताऊँगा। आप लोग का क्या करना है, आप लोग को पेंसिल ब्रश आइकन पे आ जाना, एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को देख सकते हो आर्टिस्ट का ये वाला ब्रश आप लोग को फ्रेंड्स चूज कर लेना है, ये वाला जो मैं चूज किया हूँ फ्रेंड्स ब्लू बॉक्स वाला। उसके बाद सेटिंग पे आ जाना, एंड यहाँ पे आप लोग क्या करना है गाइज यहाँ पे स्मज का आप लोग ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी रहेगा लेकिन आप लोग क्या करना है स्मज पे क्लिक करना, एंड आप लोग को फ्लो 2 एंड स्ट्रेंथ 3 कर रखना। अच्छा उसके बाद जब गाइज आप लोग फोटो स्मूथ करने जाओगे गाइज तो बिल्कुल आसानी से आप लोग अपना फोटो स्मूथ कर लोगे, एंड हल्का सा फ्रेंड्स ब्लैक ब्लैक लाइन आता होगा अगर आप लोग को स्मूथ करने में तो भी नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड कितना आसानी से मैं फोटो स्मूथ कर रहा हूँ, एंड बहुत ही इजीली तरह से फ्रेंड्स आप लोग का फोटो स्मूथ होगा। मैं इसे स्मूथ कर लेता हूँ लगभग। सो गाइज अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, एंड फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइज। अगर रेटिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिएगा फ्रेंड्स तो ज़रूर मैसेज करना। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं आप लोगों को फोटो दिखाया था गाइज बिल्कुल वैसे ही फोटो एडिटिंग करके आप लोगों को सिखाया हूँ फ्रेंड्स। वाओ ब्यूटीफुल। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।